So we were doing the preparation reaction from the case and last time we discussed about the reaction from the carboxylic acid. जिसमें से हमने सोडा लाइम का मिक्सचर लिया था. What is soda lime? NaOH and calcium oxide का मिक्सचर in which ratio? In 3:1. That is soda. राइट तो सबसे पहले यहाँ पे क्या बनता है सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड RCOOH बनता है. फिर यहाँ पर जो RCOOH है इसकी आप अगेन NaOH के साथ रिएक्शन करवाते हो इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड विल गिव यू Na एंड NaCOCl5. नाउ यूजिंग दिस प्रोडक्ट सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड नेक्स्ट वी आर गोइंग टू द इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब क्या होता है इलेक्ट्रिसिटी सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड In the presence of water, we are going to pass electricity through. Okay, so what will be formed? Ethane plus you will get NaOH plus hydrogen. अगर मैं यहाँ पर पर प्लेस कर रही हूँ CH3COOH यानी कि R को अगर मैं मिथाइल को क्या रही हूँ तो दिस विल बी द प्रोडक्ट दैट विल बी फॉर्म हाँ जी क्लियर है बेटा अब स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हो जो इलेक्ट्रोलिसिस रिएक्शंस होती हैं उनमें कैथोड या एनोड पे कोई ना कोई चीज जो है वो फॉर्म होती है ठीक है एट कैथोड कैथोड पे क्या होगा कैथोड पे कौन सा चार्ज होता है नेगेटिव चार्ज कैथोड पे नेगेटिव चार्ज होता है ठीक है दिस वाटर इट विल स्प्लिट इनटू एच पॉजिटिव आयन एंड ओ एच नेगेटिव आयन ठीक है अगर आप इसकी बैलेंसिंग देखो तो ये रिएक्शन जो है यहाँ पर टू आएगा ओके दैट मींस अगर टू वाटर स्प्लिट होंगे दैट विल गिव यू टू एच पॉजिटिव एंड टू ओ एच नेगेटिव कैथोड नेगेटिव टर्मिनल है इसके पास कौन सा वाला स्पीशीज आएगी पॉजिटिव यहाँ पर पॉजिटिव कौन सा है ये टू एच पॉजिटिव 2H पॉजिटिव ने दो इलेक्ट्रॉन्स लेने हैं एंड इट विल गिव यू हाइड्रोजन यही होगा दिस विल हैपन हाँ जी क्लियर है कैथोड इज हैविंग द नेगेटिव टर्मिनल नेगेटिव पे कौन सी चीज आएगी जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है ये टू इलेक्ट्रॉन्स लेगी और ये क्या बना देगी हाइड्रोजन फॉर्मेशन हो जाएगी यहाँ पर ओके सिमिलरली इफ यू टॉक अबाउट द एनोड एनोड पे क्या होगा एनोड इज हैविंग द पॉजिटिव टर्मिनल है ये ठीक है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा अब यहाँ पर जो आपका ये है CH3COONA इट विल नाउ ब्रेक डाउन इसकी आयनाइजेशन हो जानी है 2CH3COO नेगेटिव में और Na पॉजिटिव ऐसे टूटेगा ये आयनाइजेशन ऐसे ही होगी इसकी हाँ जी ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है तो 2CH3COO नेगेटिव प्लस 2Na पॉजिटिव अब एनोड पे कौन सा जाएगा व्हाट विल गो एट एनोड CH3COO नेगेटिव जाएगा वंश वैभव अगर आपने नहीं पढ़ना बेटा बाहर जा सकते हो अब 2CH3COO नेगेटिव ने पहले सबसे पहले दो इलेक्ट्रॉन्स लूज करने हैं ठीक है व्हेन इट विल लूज टू इलेक्ट्रॉन्स इट विल फॉर्म दिस थिंग
यही बनेगा। इसके जो दो इलेक्ट्रॉन्स है वो निकल गए, ये जो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इस हाइड्रोजन ने ले, ऐसे ही होगा या नहीं? इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके न्यूट्रल बना दिया। इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, उसने दे के न्यूट्रल हो गया वो। उसने यहाँ पे जो दो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स थे वो दे दिए, किसको दे दिए हैं? एच पॉजिटिव आयंस को। ओके, देन इट बिकम्स न्यूट्रल हेयर। बट ये चीज जो है दैट इज नॉट स्टेबल, दिस इज हाईली अनस्टेबल हेयर। देन इट विल फर्दर डिसोसिएट, यहां से ये टूट जाएगा and you will be getting CH3 plus carbon. तो देखो आपके सारे प्रोडक्ट्स बन चुके हैं, सारे प्रोडक्ट्स बन चुके हैं। इथेन था, NaOH था, ये रहा Na और ये रहा OH, 2NaOH बन जाएगा, हाइड्रोजन फॉर्म हुई है और कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म हुआ, चारों प्रोडक्ट्स बन गए हैं आपके। क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं हमारे? इथेन था, इथेन बन गया यहाँ पे, कार्बन डाइऑक्साइड लिखा है मैंने, कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑल्सो फॉर्म, हाइड्रोजन लिखा था यहाँ पर, हाइड्रोजन बना है और NaOH, ये Na पॉजिटिव है और ये OH नेगेटिव है, तो ये दोनों कंबाइन कर जाएंगे एंड दैट विल गिव यू NaOH। क्लियर हो गई सारी रिएक्शन? कॉल्स इलेक्ट्रोलिसिस। एनी डाउट, एनी डाउट टू एनीवन? यू कैन आस्क बेटा, अगर कोई प्रोडक्ट क्लियर नहीं हुआ अभी तक। क्लियर है यहां तक सारा? सारी रिएक्शंस हो गई हैं, ठीक है? प्रेपरेशन रिएक्शंस हमने सारी स्टडी कर ली हैं। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट इज फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन्स। नेक्स्ट इज फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन्स। फिजिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट देयर फिजिकल स्टेट, कैसे होंगे ये, वेदर दे विल बी इन सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट और गैसियस स्टेट। जो लोअर एल्कीन्स होते हैं जिनमें कम कार्बन होते हैं फ्रॉम C1 to C4, दे आर जनरली गैसियस, क्योंकि कार्बन कार्बन में जो इंटर एटॉमिक इंटरेक्शंस हैं दैट आर एक्चुअली द वैन डर वाल फोर्सेस, वो कम है अभी, ठीक है? वैन डर वाल फोर्सेस ऑपरेट होती हैं इनके बीच में एंड वैन डर वाल फोर्सेस दे आर द वीकेस्ट फोर्सेस, ठीक है? ये हम पढ़ेंगे आगे स्टेट्स ऑफ मैटर में, राइट? तो C1 से C4 क्योंकि कार्बन एटम्स कम है, ओके, सो दे नॉर्मली एग्जिस्ट इन द गैसियस स्टेट। उसके बाद वाले जितने हैं फ्रॉम C8 to C10 तक, ठीक है, दे एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट एंड इसके बाद वाले जितने हैं दे विल बी एग्जिस्टिंग इन द सॉलिड स्टेट। तो यानी कि जैसे जैसे कार्बन का नंबर जो है वो इंक्रीज होता जाएगा, वैसे वैसे जो उनकी स्टेट है वो चेंज होती जाएगी। कम कार्बन वाले गैसियस स्टेट में जाएंगे, उससे ज्यादा वाले सॉलिड लिक्विड में एंड बहुत ज्यादा जो बड़े बड़े हाइड्रोकार्बन्स हैं दे विल बी इन द सॉलिड स्टेट। ओके, नेक्स्ट राइट डाउन, बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट means हमने इनको बॉइल करवाना है, ओके, एंड वी विल बी चेकिंग एट विच पॉइंट दे आर एक्चुअली बॉइलिंग, ओके। सो बॉइलिंग पॉइंट का एक ट्रेंड है, अगेन आई हैव टोल्ड यू अबाउट द वीक वैन डर वाल फोर्सेस। वीक वैन डर वाल फोर्सेस जो है वो इनके बीच में ऑपरेट करती हैं एंड दे आर द वीकेस्ट ऑफ, जो हम पढ़ के आए हैं मेटालिक बॉन्ड्स के बीच में कोवलेंट आयनिक, उन सबसे ये वीकेस्ट है, पढ़ी है ना हमने सेकेंड चैप्टर में वैन डर वाल फोर्सेस, ठीक है? तो वैन डर वाल फोर्सेस जो है ये इनके बीच में ऑपरेट होती हैं, वीकेस्ट है सबसे ज्यादा, ठीक है? फॉर द ट्रेंड ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट हमने ये देखना है कि कार्बन एटम की चेन जो है वो कैसे शो करती है बॉइलिंग पॉइंट का ट्रेंड, ठीक है? एंड बॉइलिंग पॉइंट जो है वो डिपेंड करेगा फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन पे दैट आर एक्चुअली द वीकेस्ट, दैट फर्दर इज रिलेटेड टू द सर्फेस एरिया।
दैट फर्दर इज रिलेटेड टू द सर्फेस एरिया। पहले तो जनरल अगर मैं ट्रेंड डिस्कस करूं, जनरली अगर कार्बन एटम कम है तो बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, जैसे जैसे उसके बीच में जो इंटर एटॉमिक फोर्सेस हैं, जो वेंडरवाल फोर्सेस हैं, वो बढ़ती जाएंगी, वैसे वैसे उसका बॉइलिंग पॉइंट भी जो है वो बढ़ता जाएगा। यही होता है ना कि सॉलिड में जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो ज्यादा है, इसीलिए जो उनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है वो ज्यादा होता है। तो सेम चीज हम यहाँ पर करेंगे। अगर मैं जनरल ट्रेंड की बात करूँ तो अगर वो गैशियस स्टेट में है, यानी कि उनके बीच में फोर्सेस कम है, तो उनका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। लिक्विड का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो गैशियस से ज्यादा होगा, ठीक है, और सॉलिड का लिक्विड और गैस से भी ज्यादा होगा, ओके। बट यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट में हम एक और ट्रेंड की बात करते हैं, विच इज ब्रांच्ड एंड स्ट्रेट स्ट्रक्चर्स। ये तो नॉर्मल ट्रेंड हमने कह दिया है कि कार्बन एटम पे डिपेंड करता है, जितने ज्यादा कार्बन एटम होंगे उतनी ज्यादा फोर्सेस हैं और उतना ही उनका क्या है, बॉइलिंग पॉइंट है। बट व्हाट इफ वी आर हैविंग सम ब्रांच्ड स्ट्रक्चर्स एंड सम स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर्स। बनाइए जरा डायग्राम, पेंटेन का डायग्राम बनाओ और पेंटेन का आइसोमर बनाओ। राइट डाउन द स्ट्रक्चर ऑफ पेंटेन एंड इट्स आइसोमर। बना लिया पेंटेन, कितने कार्बन है, सो दिस इज द स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर। इसी में ही अगर मैं यहां पर एक ब्रांचिंग में लगा देती हूं, ठीक है, दिस इज द सेकेंड स्ट्रक्चर। And this is the third structure. ये बिल्कुल स्ट्रेट है, इसमें एक ब्रांचिंग हुई है, इसमें ब्रांचिंग ज्यादा हो गई, ठीक है। एंड यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दिस स्ट्रक्चर इज वेरी वेरी लो। क्यों लो है? अभी मैंने बताया कि जो आपका बॉइलिंग पॉइंट है दैट डिपेंड्स ऑन द वैन डर वाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, दैट फर्दर डिपेंड ऑन द सरफेस एरिया। चेन बड़ी है, सरफेस एरिया ज्यादा है, चेन छोटी हो गई, सरफेस एरिया कम हो गया, चेन और ब्रांच्ड हो गई, छोटी हो गई, सरफेस एरिया और कम हो गया, राइट। तो अगर सरफेस एरिया कम होता जाएगा तो वैन डर वाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शंस भी जो है वो कम होती जाएंगी। अगर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कम हो गई तो बॉइलिंग पॉइंट भी जो है वो कम हो जाएगा, ओके। सो दिस इज द रीजन। इसका है 309, अगर आपने लिखना है, फॉर एग्जाम्पल it is having 301 kelvin and the last one is having 283 kelvin. so you can see straight chain walon ka jo boiling point hai wo zyada hai aur jaise jaise aap branching karte jaoge boiling point jo hai wo kam hota jayega kyunki surface area exposed jo hai wo kam ho raha hai. is that clear? theek hai, any doubt? kyunki boiling point ka trend alag hai, melting point ka trend alag hai. बॉइलिंग पॉइंट समझ आ गया? चलिए नेक्स्ट राइट डाउन, मेल्टिंग पॉइंट। नेक्स्ट राइट डाउन मेल्टिंग पॉइंट। अगेन अगर मैं जनरल ट्रेंड की बात करूं तो जनरल ट्रेंड वही है, जैसे जैसे कार्बन एटम्स जो है वो बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे जो है आपका मेल्टिंग पॉइंट भी जो है वो बढ़ता जाएगा, क्योंकि फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो है वो इंक्रीज होते जाएंगे। But again, there is one anomaly in case of odd to even number of carbon atoms. कहते हैं कि अगर मैं odd से even में जा रही हूं तो ये जो boiling point का difference है that is more. ठीक है, अगर मैं even odd number of carbon atoms से even number of carbon atoms में जा रही हूं तो अगर इसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा और इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो ज्यादा होगा, यानी कि ये जो डिफरेंस आएगा इनका ज्यादा आएगा, ओके। इट विल बी हैविंग लेस बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, एंड इट विल बी हैविंग मोर मेल्टिंग पॉइंट। यही अगर मैं इवन से नेक्स्ट में ऑड में जा रही हूं, ठीक है,
तो ये जो डिफरेंस है इनका, दिस इज लेस, यानी कि अगर इसका ज्यादा है तो इसके कंपैरेटिव जितना ये इंक्रीज हुआ है ऑड से इवन ज्यादा इंक्रीज हुआ है, एज कंपेयर टू जब मैं इवन से ऑड में जा रही हूं तो ये जो डिस्टेंस आएगा अगेन द डिफरेंस विल बी लेस। इन शॉर्ट में कहने की क्या कोशिश कर रही हूं कि जो आपके इवन वाले स्ट्रक्चर्स हैं, जो इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं, उनका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो हमेशा क्या होगा, व्हेनेवर आई एम शिफ्टिंग फ्रॉम ऑड टू इवन, ओके, जो इवन वाले हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगा, एंड इफ आई एम शिफ्टिंग टू ऑड तो मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाएगा, अगेन इफ आई एम शिफ्टिंग टू इवन मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगा। ठीक है, इतनी चीज क्लियर हुई? इज दिस क्लियर कि जो इवन वाले स्ट्रक्चर्स हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा आएगा, जो ऑड वाले स्ट्रक्चर्स हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट कम आएगा। नाउ राइट डाउन वन एग्जांपल ऑफ हेक्सेन एंड हेप्टेन, राइट डाउन द एग्जांपल ऑफ हेक्सेन एंड हेप्टेन। एक इवन है, एक ऑड है, हेक्सेन का क्या स्ट्रक्चर होगा? हाँ जी वंश, आ जाओ बाहर, वंश बाहर आओ बेटा, हेक्सेन और हेप्टेन का स्ट्रक्चर बनाओ। मैंने नहीं लगाने बेटा, आप ही लगाओगे, आओ आओ बेटा। ऐसे ऐसे zigzag बनाओ इफ पॉसिबल, आप स्ट्रेट चेन लिखो, मैं zigzag करवाती हूँ। हेक्सेन का स्ट्रक्चर लिखो, वहां चले जाओ कॉपी लेके, चले जाओ। नाउ इमेजिन अ सिचुएशन कि आपके पास ये स्ट्रक्चर्स हैं और आपने इनकी पैकिंग करनी है। ठीक है, अगर तो आपके पास कुछ चीजें होती हैं, डाटा सिमिलर इन शेप, आप उसको एक के ऊपर एक स्टैक कर देते हो ना। अगर तो चीजें बिल्कुल सेम हैं, ठीक है, साइज में शेप में, तो आप उसको क्या करते हो, एक के ऊपर एक पैक कर देते हो और वो स्टैकिंग जो है वो बहुत इजी हो जाती है, पैकिंग अच्छी हो जाती है। तो मेल्टिंग पॉइंट में हम वही देखेंगे कि इनकी पैकिंग कैसी है एक्चुअली। ओके, अगर मैं ये छह वालों की बात करूं, इसके ऊपर जो है वो दूसरा आ जाएगा, इसके ऊपर ही जो है वो तीसरा मॉलिक्यूल आ जाएगा, तो वो कहते हैं कि ये जो छह वाले हैं इनकी पैकिंग बहुत अच्छी होती है क्योंकि इवन नंबर्स हैं। ऑड में एक एक्स्ट्रा जो है वो ब्रांचिंग निकल आती है, ऑड वालों में एक एक्स्ट्रा ब्रांचिंग निकल आती है, तो कहते हैं कि ऑड वालों की जो पैकिंग है वो अच्छे से नहीं हो पाती, स्टैकिंग जो है वो अच्छे से नहीं हो पाती है। ठीक है, सो दैट्स व्हाई इफ वी टॉक अबाउट द इवन एंड द ऑड स्ट्रक्चर, आउट ऑफ दीज द इवन स्ट्रक्चर इज मोर यूनिफॉर्मली पैक्ड। ओके, द इवन स्ट्रक्चर इज मोर यूनिफॉर्मली पैक्ड क्योंकि यहाँ पर कोई साइड में ग्रुप्स नहीं है, कोई साइड में हैंडल नहीं है हमारा जो हिंड्रेंस क्रिएट करेगा पैकिंग। बट वहां पर क्योंकि एक्स्ट्रा नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आ जाते हैं, ठीक है, ऑड में एक एक्स्ट्रा साइड चेन बच जाती है, जिसके कारण कहते हैं कि ये पैकिंग जो है वो यूनिफॉर्म नहीं हो पाती है। इसीलिए ये ट्रेंड जो है वो ऑड से इवन में है।
ईवन वालों की पैकिंग अच्छे से होती है इसलिए उनका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो ज्यादा है, ऑड वालों की पैकिंग अच्छे से नहीं होती है, फोर्सेस जो हैं दे आर वीक, ठीक है, पैकिंग अच्छे से नहीं हो रही है, फोर्सेस दे आर वीक एक्चुअली, एंड दैट्स व्हाई देयर मेल्टिंग पॉइंट इज आल्सो लो, इज दैट क्लियर? ठीक है, तो आप लिख सकते हो, राइट डाउन फॉर द एग्जांपल अगर आपने मेंशन करनी है. If we talk about the melting points of some of the structures, C3H8 का melting point आ जाता है 85.3, C4H10 का है 138, C5H12 का 143.3, C6H14 का 179. You can clearly see now. ऑड का 85 है, ऑड से इवन में गई, अब्रप्ट चेंज है, सीधा ही 138 का चेंज है, देखा? फिर इवन से मैं ऑड में गई तो थोड़ा सा चेंज है, 138 से 143 का चेंज है, कम है. फिर मैं ऑड से इवन में गई, अगेन अब्रप्ट चेंज है, 143 से सीधा 179, ठीक है. So whenever you are going from odd to even, there is abrupt change, but even से odd में जाओगे तो there will be a slight change. Okay? हाँ जी, clear हो गया बेटा. Now write down the next one, solubility. Solubility. Now what do you think, in which solvent they will be soluble? सबसे पहले इनकी खुद की नेचर कैसी है, whether they are polar or non-polar. हाँ जी, whether they are polar or non-polar, alkanes. आर एच है, आर आर है, कुछ भी आप एल्केन कह सकते हो. दे आर पोलर और नॉन पोलर. इतना टाइम. आर का कौन सा इफेक्ट है? प्लस इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन देने का इफेक्ट है. हाइड्रोजन का कौन सा इफेक्ट चलता है? नॉर्मली हाइड्रोजन एच पॉजिटिव बनाता है तो वो भी इलेक्ट्रॉन देता है. यहाँ पर भी दोनों आर आर ग्रुप हैं तो यहाँ पर सेम चीज हो गई है. तो सेम चीज वाले पोलर होते हैं कि नॉन पोलर होते हैं? नॉन पोलर, ठीक है. सो दैट मीन्स द एल्केन्स दे आर एक्चुअली नॉन पोलर इन नेचर. पोलैरिटी नहीं है ना, पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस वाली चीजें नहीं है यहाँ पर. ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ठीक है. सो दैट्स व्हाई दे आर नॉन पोलर. और मैंने आपको एक चीज बताई हुई है, लाइक डिसॉल्व्स. लाइक डिसॉल्व्स, लाइक जो जैसा है वो अपने अंदर वैसी चीजों को ही डिसॉल्व करता है. यानी कि जो पोलर चीजें हैं वो अपने अंदर पोलर मॉलिक्यूल्स को डिसॉल्व करवाएंगी, जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं वो नॉन पोलर सॉल्वेंट्स के अंदर जाएंगे, ठीक है. वॉटर कैसा है, पोलर और नॉन पोलर? पोलर है. वी कैन स्प्लिट वाटर इनटू एच पॉजिटिव एंड ओएच नेगेटिव. तो यानी कि ये जो एल्केन्स हैं ये वाटर में तो सॉल्युबल नहीं होंगे, पानी में सॉल्युबल नहीं होंगे क्योंकि पानी पोलर है, ठीक है. जो सॉल्वेंट जैसा है वो अपने अंदर वैसी चीजों को ही डिसॉल्व करवाएगा, ओके. वाटर बीइंग पोलर इट विल नॉट डिसॉल्व दीज एल्केन्स इनटू इट, ठीक है. तो एल्केन्स जो है वो किस में डिसॉल्व होंगे फिर? नॉन पोलर solvents. Okay, so their solubility is in the non-polar solvents. और non-polar solvents कोई भी हो सकते हैं, benzene है, chloroform है, toluene है, any solvent you can take. Okay? Alcohols में dissolve करवा सकते हो आप उनको. Clear? Next, write down density. Density. What will be the trend of density now? हाँ जी, trend of density.
डेंसिटी का क्या ट्रेंड होगा? डेंसिटी किस पे डिपेंड करती है? मास पे। मास किस पे डिपेंड करेगा? तो जिनके कम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है उनकी डेंसिटी कम है, जिनके कार्बन एटम ज्यादा है उनकी डेंसिटी ज्यादा है। ओके, सो लोअर एल्केन्स दे विल बी हैविंग लोअर डेंसिटी एंड हायर एल्केन्स दे विल बी हैविंग हायर डेंसिटी। लोअर एल्केन्स हैविंग लेस नंबर ऑफ कार्बन एटम्स दे विल बी हैविंग लेस डेंसिटी, एंड हायर एल्केन्स दैट आर हैविंग मोर डेंसिटी, मोर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स दैट विल बी हैविंग मोर डेंसिटी। Okay, so till now we have done all the preparation reactions of alkanes and the physical properties of alkanes. Now starting to the next is chemical properties of alkane. Chemical properties of alkane. Chemical properties mein sabse pehle we will be starting with substitution reaction. We will be starting with substitution reaction.